वन बाई ई पावर इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो आंसर कितना होगा आपका, जीरो, राइट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जीरो बन गई। आप इसकी आरएचएल निकालें, इफ यू विल ट्राई टू फाइंड इट्स आरएचएल, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये भी आपकी जीरो आएगी। तो व्हाट आई मीन टू टेल यू, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल एंड बोथ द वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी बेटा, जीरो, राइट। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो के की वैल्यू कितनी होगी? एनीवन इन द क्लास रिप्लाई करें बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो? प्रवेश क्या होनी चाहिए बेटा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये बेटा जीरो है, ये जीरो है और ये आपका बेटा के है, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो। तो ये ऑप्शन तो बेटा आपका रोंग आ गया, राइट। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ, फॉर के इक्वल टू जीरो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ लेट अस चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है, हाउ टू चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, एनीवन इन द क्लास, ये बच्चा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को बेटा बता सकता है, सोच के बताएं बेटा, यही मैं कर देता हूं ताकि हमारा स्पेस बच जाएगा बेटा। वी हैव टू चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ बोलो बोलो, बताएं बच्चे बेटा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बताएं मुझे, कैसे करेंगे आप बेटा डिफरेंशिएबिलिटी के, हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शुड फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन आप चेक करें, फंक्शन इज गिवन टू बी बेटा, फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई पावर वन बाई एक्स। अब इसका मैं अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा करूंगा तो क्या निकलेगा आपको, अगर ध्यान हो, एफ डैश जीरो माइनस जीरो, तो ये बेटा बनेगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर कितना आपका एक्स माइनस जीरो। ये की वैल्यू मैंने बेटा कितनी बता दी आपको, जीरो, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये बेटा बनेगा एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई पावर वन बाई एक्स, एफ जीरो जीरो है, ओवर कितना बोलो एक्स, एक्स एक्स बेटा कैंसिल्ड आउट, जिस तरह से आपकी बेटा कॉन्टिन्यूटी आप लोगों ने बताई थी सेम वे से यहाँ पर बेटा एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो, दोनों केस में आंसर कितना आएगा, जीरो। मतलब वेदर यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बोथ दी वैल्यूज विल बी जीरो। तो इसका मतलब इसका ये ऑप्शन बेटा करेक्ट है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अर्पित जरा बताओ बेटा, अर्पित रिप्लाई करो क्या मैंने बताया बेटा। यू हैव टू बी लिटिल बिट फास्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम तब सॉल्व करेंगे जब हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी होगी। अर्पित जरा बताएं बच्चे, अर्पित यादव बेटा रिप्लाई करो, पंकज रिप्लाई करो बच्चे, पंकज ओसली कैंपस बेटा रिप्लाई जब तक नहीं करोगे तो मेरे लिए थोड़ा आगे बढ़ना मुश्किल है। आप समझते हैं कि मेरे को बेटा, आप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर बेटा एक्स पावर वन होता तो एक्स आपका कैंसिल होता है, तो फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर दिस फंक्शन बिकम्स डिफरेंशियबल। अब प्रॉब्लम नंबर 52, वैसे तो प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है बेटा, फंक्शन गिवन है दिस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट -π/4। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या करेंगे बेटा, आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करें, एफ डैश एक्स साइन यू का डेरिवेटिव बेटा होता है कोस यू, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस यू और यू का फर्दर डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, माइनस साइन टू एक्स माइनस पाई बाय टू इंटू टू। अब आप इसमें एक्स को कितना पुट करें बच्चे, -π/4, यू विल गेट योर आंसर। ये प्रॉब्लम बेटा बहुत सिंपल थी। हेलो, हाँ जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है। हाँ
नहीं, मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि मैं मिठाई आके खाऊंगा आपके घर, घर आऊंगा आपके घर, मैंने देखा हुआ है, जब लॉकडाउन खुल जाए मैं जरूर घर आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है ना। हाँ चलो, मैं अभी क्लास में हूँ, फिर मैं बात करूंगा। प्लीज बेटा, प्रॉब्लम नंबर 53 को देखें आप लोग। बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10 13 डिग्री 10 27 डिग्री प्लस दिस प्लस दिस। कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है? क्या इसका हिंट है? बेटा जब तक रिप्लाई नहीं करोगे मेरे लिए आगे लिए बेटा बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आप प्रॉब्लम को मुझे बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो मैं इसको उस पे लिखता हूँ बेटा अपने, एनीवन इन द क्लास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 13 डिग्री। बेटा क्या हिंट है आपके माइंड में? एनीवन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? चलिए कोई बात नहीं, मेरे को अगर कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है तो अच्छा लगता मुझे। एनीवन अभी भी किसी के बेटा माइंड में आ रहा है तो मुझे बता सकते हो आप? बेटा स्क्रीन विजिबल है? ग्रीन पंकज रिप्लाई करो। यस ओके बेटा, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 13 डिग्री इंटू टेंजेंट 27 डिग्री प्लस टेंजेंट 27 डिग्री इंटू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 50 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 13 डिग्री। क्या किसी बच्चे के माइंड में हिंट आ रहा है क्या करना चाहिए? बस एक छोटी सी चीज है, इसके ऑप्शन से बेटा 1 2 4 एंड 5। Somebody can reply me how to solve this problem? बेटा इसमें एक जो क्लू है ना, क्लू मैं आपको बताना चाहूंगा। 13 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये बेटा सम आपका 90 डिग्री होता है। चेक करो आप बेटा, 13 प्लस 27 प्लस 50 डिग्री कितना होता है आपका? 90 डिग्री, राइट। अब आप इसको क्या करें बेटा, अगर आपका एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री हो बच्चे, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ बेटा टेंजेंट लीजिए, एंड 90 कितना होता है आपका? इन्फिनिटी। बेटा टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एनीवन कैन रिप्लाई मी, ये बेटा होता है S1 माइनस S3 ओवर 1 माइनस S2। बेटा दो चीज का डिवीजन इन्फिनिटी कब होता है? जब डिनोमिनेटर है जीरो, तो 1 माइनस S2 0 का मतलब हुआ बेटा S2 इक्वल टू 1। S2 का मतलब होता है टेंजेंट टर्म टेकन टू एट ए टाइम। टू एट ए टाइम का मतलब 10 13 डिग्री 10 27 डिग्री, नेक्स्ट टू एंड नेक्स्ट टू, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। जी
बेटा कोई बच्चा रिप्लाई करे क्या, कितना समझ में आपको ये प्रॉब्लम? अदिति आप बताओ बच्चे, अदिति बेटा कितना यस समझ में सर, आपको ये प्रॉब्लम, बताइए मुझे जरा। सर आपने जो लास्ट वाला जो स्टेप किया है वो एक्सप्लेन कर दो फिर से। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का बेटा फॉर्मूला होता है 10a+10b+10c, 10a+10b+10c माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, राइट। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं, वन माइनस यहां लिखते हैं मैं बेटा टेंजेंट ए टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट बी टेंजेंट सी प्लस कितना आपका टेंजेंट, ये बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपका तीनों का सम बेटा 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 का मतलब इन्फिनिटी हो, तो ये आपका 0 बन जाएगा। इसको मैंने बेटा 0 पुट कर दिया। एस टू का मतलब होता है टेकन टू एट ए टाइम, एस वन का मतलब होता है सम ऑफ टेंजेंट ऑफ ट्रम्स टेकन वन एट ए टाइम, एस टू का मतलब टेकन टू एट ए टाइम, और S3 का मतलब टेकन 3 एट ए टाइम। बेटा समझ में आ गया आपको? तो 1 यस माइनस सर, एस टू 0, एस टू का मतलब ए बी बी सी एंड सी, राइट। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ, देन आई विल देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ, ये प्रॉब्लम नंबर, ये बेटा पेपर आपके आरपीएस ग्रुप का ही पेपर है, तो ये अच्छा पेपर है, तो मुझे लगा आई शुड डिस्कस विद यू। हाँ जी आप बेटा विजिबल है ना आपको, 54 पे बताएं जरा आप लोग, प्रॉब्लम नंबर 54 कोई बच्चा रीड करके बताए मुझे क्या लिखा हुआ है। पंकज बेटा रीड करें पेपर को, बेटा रिप्लाई किया करो, तुरंत रिप्लाई करें। 54, कैन यू हियर मी? बेटा फिफ्टी फोर नजर आई है प्रॉब्लम आपको? बच्चों को रिप्लाई करो, अदिति नजर आ रही है बेटा प्रॉब्लम? बेटा यस सर, टेल मी हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 54। सी एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ए, एफ एक्स लेस देन 0, इट इज एक्स माइनस 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा दिस फंक्शन इज गिवन टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बेटा सबसे पहली बात तो ये होती है, फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो दो चीज होंगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव नंबर वन, नंबर टू फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, बट कॉन्टिन्यूटी नीड नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। अब आपको ये फंक्शन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब आप कोई बच्चा मुझे बताए आप इसको क्या करें बेटा, इसकी हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करें, एलएचएल कितना होगा बच्चे? देखो 0 से लेस के लिए आपका एक्स को 0 पुट करोगे, ये वाला फंक्शन लोगे ई पावर 0+a, तो ये बेटा बन गया a+1। व्हाट इज राइट हैंड लिमिट 0 से ग्रेटर के लिए कितना आपका? 0 माइनस 3, इट इज -3। बेटा एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, तो a+1 इक्वल टू -3, ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -4। कोई और मेथड भी माइंड में आ रहा है बच्चे? जरा सोच के बताएं, मैं आपको बेटा दूसरे तरह से ही बताता हूँ, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को यूज करके भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा आप इसमें क्या करें, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स, ई पावर एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, क्योंकि ए का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है,
x माइनस थ्री का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, वन, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा जीरो पर? एनीवन इन द क्लास प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। अमोक बेटा आप बताओ, बेटा जीरो से लेस के लिए आपका बनेगा ई पावर जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा बन गया ई पावर जीरो बिकम्स वन, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका वन। तो इसका मतलब ए पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि ए का डेरिवेटिव जीरो है। तो इसका मतलब फंक्शन इज गिवन टू बी डिफरेंशियबल, मीनिंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा ए प्लस वन है, राइट हैंड लिमिट माइनस थ्री, इक्वेट कर दिया तो ए आपका माइनस, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर, आई वुड से प्रॉब्लम नंबर 55। रीड करें बेटा स्टेटमेंट को, बेटा स्टेटमेंट रीड करें, कोई बच्चा मुझे रीड करके बताए। रिप्लाई कर दिया करो, हाँ बेटा बताओ। 55, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 10x plus secant x equal to 2 cos x, right? क्या करेंगे आप लोग इन 0 to 2 pi? बेटा trigonometrical equation given है 10 plus secant equal to 2 cos x, find the number of roots, right? चलिए मैं आपको green board पे solve करता हूँ इस problem को। बच्चा रिप्लाई कर सकते हैं फिर भी, हाँ जी पंकज नजर आ रही है बेटा स्क्रीन? पंकज यस सर। अच्छा चलिए बेटा क्या कहना चाह रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ इक्वेशन इज गिवन टू बी, इक्वेशन इज 10x plus secant x equal to 2 cos x, फाइंड दी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 टू 2 पाई। बेटा पहला काम आप क्या करें, कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस, राइट? तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसको लिखे साइन बाय कोस, और सीकेंट का मतलब है बेटा वन बाय कोस इक्वल टू कितना आपका टू कोस एक्स, शिफ्टिंग करो कोस से मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू बच्चे टू कोस स्क्वायर एक्स, राइट? अब आप या तो इसको कोस में कन्वर्ट करें या साइन में, इसको मैं साइन में करता हूँ। ये बेटा बन गया साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, शिफ्टिंग करें बच्चे, ये आपका बेटा बन गया टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप इसके बेटा फैक्टराइज कर लें तो साइन एक्स की वैल्यू आपकी बेटा कितनी आएगी, आप चेक करें, यू विल गेट हाउ मेनी वैल्यूज बेटा, साइन एक्स की आपका फैक्टर आपने किए प्लस टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू बेटा जीरो, राइट? तो ये आपका बन जाएगा टू साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो साइन एक्स की वैल्यू बेटा एक तो आगे माइनस वन और एक आगे बेटा वन बाय टू। अब आप सोच के बताएं साइन एक्स आपका माइनस वन है, हाउ मेनी एंगल इन जीरो टू टू पाई साइन वैल्यू विल बी माइनस वन? एनी वन बेटा रिप्लाई करो क्विकली। बेटा साइन एक्स इज माइनस वन, एक्स आपका बेटा एक ही होगा 270, 3 पाई बाय 2। अब साइन एक्स को बेटा मैं 1 बाय 2 लेता हूँ, साइन एक्स 1 बाय 2, तो एक्स की वैल्यूज बेटा क्या क्या होंगी, एक तो होंगी बेटा 30 और एक होगी बेटा 150, राइट? अब आपके बेटा जो ये सॉल्यूशन निकले हैं दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन आल्सो। बेटा ये इक्वेशन है, अगर x की वैल्यू में 3 पाई बाय 2 पुट करता हूं, यू नो दैट व्हाट इज cos 270, इट विल बिकम 0 अपॉन 0 क्या बन जाएगा बेटा, इंफिनिटी।
इसका मतलब x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 यू विल नॉट टेक। तो सॉल्यूशंस दो होंगे, एक आपका है बेटा 5 बाय 6, अनदर इज 5 पाई बाय 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या बन गए बेटा, 2 बन गए। नेक्स्ट बेटा जो प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये बेटा, आप लोगों ने ये किया हुआ है, आप लोगों ने इफ यू रिमेंबर, इफ वी हैव टू गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, इफ sin x इक्वल टू sin अल्फा एंड cos x इक्वल टू cos अल्फा, व्हाट इज x, एनीवन इन द क्लास? बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, sin x इक्वल टू sin अल्फा cos x इक्वल टू cos अल्फा, आरजू बताओ बच्चे, x की वैल्यू बेटा होगी 2n पाई प्लस अल्फा। अगर ये साइन कोस ना होके ये होता साइन x इक्वल टू साइन अल्फा एंड टेन x इक्वल टू बेटा टेन अल्फा, वो भी आपका आंसर सेम आता बच्चे। थर्ड साइन कोस साइन टेन, और ये साइन ऑफ कोस और टेन होता तो भी आंसर आपका बेटा यही आता, राइट? दिस इज द वे टू फाइंड। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये आप कर ले, 58 पे मैं बेटा जा रहा हूँ। बेटा फंक्शन इज गिवन टू बी मोड एक्स माइनस वन मोड एक्स माइनस टू। बेटा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे मुझे नहीं पता लगेगा आपको कितना समझ में आया। बेटा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। बेटा कितने पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं है? ऑप्शंस हैं बेटा 0, 1, 2 एंड 3। Somebody can reply me? बेटा find the number of points where this function is not derivable. अर्पित बेटा आप बताओ, अर्पित यादव reply करो बच्चे। बेटा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बेटा 0 1 2 एंड 3 है। ये बच्चा रिप्लाई करे, एनीवन इन द क्लास? बेटा आपको ये मालूम है, अगर फंक्शन अगर हमें गिवन होता मोड x माइनस a, मोड x माइनस a विल बी x माइनस a इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इट इज माइनस ऑफ x माइनस a इफ x लेस देन a, राइट? आप इसका बेटा डेरिवेटिव लीजिए, इफ यू विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव, x माइनस a डेरिवेटिव विल बी 1 एंड इट इज माइनस 1 इफ x इज लेस देन a। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, तो आई वुड से फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट ए। अब आप सोच के देखें इस प्रॉब्लम को, बेटा मोड एक्स माइनस वन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1, मोड एक्स माइनस टू इज नॉट डेरिवेबल एट 2, ये बेटा कहाँ डेरिवेबल नहीं है, 3 पर। तो इस प्रॉब्लम को देख के इनिशियली ऐसा लगता है कि दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट 1, 2, 3, बट Due to presence of sin pi x, बेटा आप जब 1 पे derivative लिखेंगे तो 1 पे क्या आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेटा 1 पे मैं left hand derivative की बात करूं, ये value minus 1 है या 1 है, but यहाँ पर जब x को 1 put करोगे तो आएगा sin pi, जब x को बेटा 2 put करोगे you will get sin 2 pi, 3 put करोगे it will become sin 3 pi, you know that साइन एन पाई आपका जीरो होता है। तो वेदर यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, बोथ वैल्यू विल बी 1, बोथ वैल्यू विल बी 0 एट x इक्वल टू 1, 2, 3। बेटा 1, 2, 3 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पे तो डेरिवेबल है ही, 1, 2, 3 पे डाउट है, 1, 2, 3 पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइन पाई एक्स फैक्टर दिस फंक्शन बिकम्स डेरिवेबल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जहां ये डेरिवेबल नहीं है, ऑप्शन आएगा 0। तो दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एवरीवेयर, दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एवरीवेयर। यस नो में बेटा रिप्लाई करो, बेटा रिप्लाई करो।
बेटा बताओ जरा क्या समझ में आ जाती है, आप बताओ। चलो आई एम आस्किंग यू, आप मुझे रिप्लाई करके बताएं क्या समझ में आया। बेटा देखो, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं ना, मेरे को नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैं तो आपको अभी स्टार्ट किया है। मेरे को आप थोड़ा सा रिप्लाई करके बताएं, आप हमें ये समझ में आया। चलो आप बताओ मुझे क्या कहना चाहिए। बेटा रिप्लाई कर नहीं कर रहे बच्ची, बेटा रिप्लाई करो बच्चे मेरे। बेटा रिप्लाई करो, अनु आप रिप्लाई करो बेटा, क्या समझ में है आपको? अनु जरा क्विकली रिप्लाई करें बच्चे। बेटा इसमें हम ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इफ साइन पाई एक्स अगर हमें गिवन नहीं होता, सपोज हमें फंक्शन गिवन होता मोड एक्स माइनस वन इंटू मोड एक्स माइनस टू इंटू मोड एक्स माइनस थ्री, तो दिस फंक्शन विल बी नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू कितना आपका 1 2 3, एट एक्स इक्वल टू 1 2 3, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइन पाई एक्स यू इफ यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 2 3, ईच एंड एवरी वैल्यू विल बिकम जीरो, तो आई वुड से दिस फंक्शन बिकम्स अ 1 2 3 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पे पहले से डेरिवेबल है, तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट जहां ये फंक्शन आपका डेरिवेबल ना हो, तो दिस वाज गुड प्रॉब्लम। बेटा क्वेश्चन नंबर 60 में आपको आई वांट टू शो यू, बेटा 60 विजिबल है आपको? बेटा पेपर नजर आ रहा है, कोई बच्चा रिप्लाई करे। पंकज, सर क्वेश्चन नंबर 51 शो हो रहा है। अच्छा 51 शो हो रहा है, ओके लेट मी गिव टू मिनट। आप चेक करना बेटा। यस सर इट्स विजिबल। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 60, बेटा 59 आप लोग कर लेंगे। इस पेपर को बेटा मैंने ग्रुप पे शेयर कर लिया है, आपके साथ मैं भी शेयर कर लूंगा। अब मुझे प्रॉब्लम नंबर 60 की स्टेटमेंट देखिए बेटा आप लोग। इधर स्टेटमेंट, इफ वाई इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी एंड टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, व्हाट इज डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू, मतलब वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। बेटा क्या करोगे सोच के बताओ जरा। बेटा ये प्रॉब्लम आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मुश्किल प्रॉब्लम है, बट मुश्किल नहीं है। बेटा देखो, y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x, इनडायरेक्टली y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आप dy वाई बाई डी एक्स करेंगे बेटा क्या करना पड़ता है आपको, सोच के बताओ। इट इज dy वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यस नो बच्चे? रिप्लाई बेटा नहीं करते आप लोग। बेटा मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप वाई का, बेटा वाई इज फंक्शन ऑफ टी एंड टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो टी बेटा यहाँ पर पैरामीटर हो गया, तो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट वुड बी y derivative with respect to t, t derivative with respect to x, right? अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है,
बेटा आप ये बताओ, टी अगर आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। देखो या तो इसको बहुत लेंथी प्रोसेस कर लो, और मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपको y का ट्रिपल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। अब आप सोच के मुझे कोई बच्चा बता सकता है, जस्ट अपने कॉमन सेंस लगा के e की इस वैल्यू को यहाँ पुट करना जरा, ये बन जाएगा y इंटू ए टी स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, टू बी इंटू टी है ना बेटा, टी को पुट करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, एंड प्लस कितना आपका सी। बेटा कोई बच्चा मुझे रिप्लाई कर सकता है, अगर आप इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सपेंशन, एनीवन? हेलो हेलो, यस हाँ बताएं मैडम, फटाफट बताएं आप। आप सोच के बताएं, आप जब इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, बट आई एम नॉट एक्सपेंडिंग, बट वन थिंग आई वुड से एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो इसकी मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी बनेगी बेटा, पावर फोर बनेगी या नहीं बनेगी, सोच के बताएं मुझे। तो वाई इज एक्सप्रेशन ऑफ फोर डिग्री इंडेक्स, अगर आप इसको तीन बार डेरिवेटिव करेंगे बेटा, आप जब इसको तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो पावर फोर विल कन्वर्ट टू कितना आपका पावर वन, तो इसका मतलब इन चारों में से बेटा जो एक्सप्रेशन वाई एक्स में लीनियर है वन डिग्री, यहाँ पर बेटा कोई पावर नहीं है, यहाँ सेकंड पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ आपकी बेटा वन पावर है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन। नॉट क्लियर निशान बेटा, आप बताओ क्या समझ में आया आपको बच्चे? बेटा मैंने आई हैव जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट टी, बेटा टी की वैल्यू मैंने आपकी वाई में सब्सटीट्यूट कर दी, यू विल गेट एन एक्सप्रेशन विच इज ऑफ फोर डिग्री नेक्स, विच इज ऑफ फोर डिग्री नेक्स, अगर ये फोर डिग्री है तो आप तीन बार डेरिवेटिव करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट लीनियर एक्सप्रेशन। 61 को रीड करे कोई बच्चा, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 61 बच्चे, 61 में बेटा गिवन है, लेट एफ बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ डैश 3 इक्वल टू बेटा 2, फंक्शन की थ्री पर डेरिवेटिव की वैल्यू टू है, व्हाट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ थ्री प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ थ्री, कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज एफ डैश थ्री इन लिमिटिंग फॉर्म? बेटा ये क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री ओवर एच, क्या ये आपको समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, no, रिप्लाई करो बेटा। बेटा एफ डैश थ्री को लिमिटिंग फॉर्म में लिखा तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ओ, ये वैल्यू बेटा हमें थ्री गिवन है। अब यहाँ पर आइए बच्चे, बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ओ थ्री प्लस एच स्क्वायर, बेटा अगर एच जीरो को टेंड करेगा तो एच स्क्वायर भी टेंड टू जीरो होगा, तो इसको बेटा मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, इट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो f of 3 plus s square minus f3 minus f of 3 minus f square minus f3, बेटा मैंने f3 ऐड कर दिया, और f3 क्या कर दिया बेटा, सबट्रैक्ट कर दिया। अब इसको बेटा मैं और सिंपल करता हूँ, लिमिट h tends to 0 f of 3 plus s square माइनस एफ थ्री ओवर एस स्क्वायर, बेटा नेगेटिव को यहाँ एडजस्ट करो, एफ ऑफ थ्री माइनस एस स्क्वायर माइनस एफ थ्री ओवर कितना बेटा एस स्क्वायर, ये बेटा किसकी वैल्यू है, कोई बच्चा रिप्लाई करे, जो आपका काम है बेटा एच अगर जीरो को टेन करे तो ये आपका बन जाएगा एफ डैश थ्री, नेगेटिव यहाँ एडजस्ट किया,
एफ ऑफ थ्री माइनस एस स्क्वायर माइनस एफ थ्री ओवर दिस वन, दिस इज आल्सो कितना आपका एफ डैश थ्री, एफ डैश थ्री की वैल्यू गिवन है टू, तो आंसर टू प्लस टू कितना बन गया बेटा, फोर बन गया। रिप्लाई करें बच्चे, राइट बेटा, मेरी एनडीए क्लास है तो आई हैव टू लीव नाउ, राइट। इस पेपर को बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसकी बाकी प्रॉब्लम को कल पूछ सकते हैं। ओके बेटा।